ओके, लैपटॉप बाइंग गाइड फॉर एवरी यूजर। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी की गाइड टू अ गेमिंग लैपटॉप, लाइक लैपटॉप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, लाइक डिस्प्ले क्या होती है, कैसे कीबोर्ड पोर्ट्स, ये वो जितने भी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलते हैं उसको ब्रेक डाउन किया था इजी लैंग्वेज में। बट कुछ ऐसे कॉमन सवाल है जो कमेंट सेक्शन में हमेशा एक्टिव रहता है, जैसे कि कोडिंग के लिए लैपटॉप कौन सा ले, हमारे को एडिटिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, फोटोशॉप के लिए चाहिए, आफ्टर इफेक्ट्स के लिए चाहिए, लाइक किसी को ऑटो कैड के लिए चाहिए, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए चाहिए। इतने स्पेसिफिक हो जाते लोग कि वो पहचान नहीं पा रहे इतने लैपटॉप्स में उनके लिए कौन सा सही रहेगा। अब उसमें स्पेसिफिकेशन क्या लो, ब्रांड क्या लो, तो वो कंफ्यूजन है। तो आपने बहुत सारी लैपटॉप बाइंग गाइड की वीडियो देख ली होंगी, बट ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। हर यूजर के लिए ब्रेक डाउन किया मैंने इस वीडियो में कि किस टाइप का आपका काम रहने वाला है और कैसा लैपटॉप आपको चूज करना है। तो आपको एडिटिंग के लिए चाहिए, गेमिंग के लिए चाहिए, कोडिंग के लिए चाहिए, म्यूजिक प्रोडक्शन, ग्राफिक्स डिजाइनिंग या कुछ भी, सारों के टाइम स्टैम्प मैं डाल दूंगा नीचे, उसके हिसाब से आपको लैपटॉप चूज करना है, स्पेसिफिकली लैपटॉप। वैसे पीसी भी चूज कर सकते हो, मतलब लैपटॉप वाला चैनल है तो लैपटॉप के हिसाब से बताएंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है कोडिंग को लेके, क्योंकि स्टूडेंट वाली ऑडियंस है और लोग कॉलेज जा रहे हैं या 11, 12 में भी आपने कंप्यूटर्स ले लिए, तो कोडिंग को लेके बहुत सवाल रहते हैं कि किस टाइप का लैपटॉप आपको चाहिए, लाइक कितने पैसे आपको खर्चने हैं। अब अगर आपको नॉर्मल कोडिंग सीखनी है तो आपका काम पेंटियम में भी चल जाएगा, 2-4 GB रैम उसके अंदर सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि जो बेसिक कंपाइलर्स हैं वो सारे अब ऑनलाइन है। एक जैसे वेबसाइट है ऑनलाइन GDB करके, यहाँ पे C++, जावा, पाइथन जैसे, मतलब सारा कुछ आप यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हो सारे काम अपने ना कोडिंग से रिलेटेड। और अगर आपको ऑफलाइन कोडिंग करनी है तो उसके लिए आप थोड़ा सा मतलब अपना बजट बढ़ा के i3 के लिए जा सकते हो, लाइक जैसे इन्फिनिक्स का लैपटॉप रिव्यू किया था हमने, i3 10 जनरेशन विद 8 GB रैम कम से कम, तो ये सारा काम आपका कर देगा 25-30 हज़ार रुपए में। बाकी अगर आपको एक लेवल और ऊपर जाना है, जैसे लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है और विजुअल कोड, .NET फ्रेमवर्क वगैरह का काम करना है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट i5 8 GB रैम तक का सिस्टम चाहिए होगा, i5 10 जनरेशन 11 जनरेशन, जिसमें आपका काम आराम से हो सकता है। उसके अंदर आप यू सीरीज का प्रोसेसर ले लो या एच सीरीज का ले लो, काम सारे कर देंगे। एंड आखिरी में अगर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो डेवलपमेंट वगैरह करना है तो फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको कम से कम i7 with 16 GB RAM जो लगेगा लगेगा। और हाँ, कोडिंग के मामले में सिर्फ CPU और RAM का रोल होता है, ग्राफिक कार्ड का कोई रोल नहीं होता। और अगर आपको iOS डेवलपमेंट के लिए जाना है तो फिर आप MacBook लो और उसमें भी आपके सारे काम हो जाएंगे। तो कोडिंग के लिए किस टाइप का लैपटॉप या डेस्कटॉप आपको चाहिए, कुछ इस हिसाब से आप चूज कर सकते हो, कैसा काम रहेगा उसके अकॉर्डिंग बजट बनाना और उसके अकॉर्डिंग चूज कर लेना कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं, वो अब आपको ही देखना। और जब आप लैपटॉप या पीसी वगैरह यूज करते हो, कभी तो आपके दिमाग में आएगा ना कि फोन की स्क्रीन पीसी में मिरर करूं, फिर चाहे कंटेंट कंज्यूम करने के लिए हो या इवन आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करनी हो, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको बताता हूँ, एयरड्रॉइड कास्ट करके। और स्क्रीन मिररिंग में प्रॉब्लम पता क्या आती है कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के OS से ना मैच नहीं खा पाता, लाइक आप iOS यूज कर रहे हो उससे आपको विंडोज पे मिरर करना है, या फिर एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो मैक पे मिरर करना है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। तो एयरड्रॉइड कास्ट का यही फायदा है, इसके अंदर क्या है कि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म भी आराम से मिरर करा सकते हो। आपको करना क्या है, फोन के अंदर इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है एंड अपने सिस्टम के अंदर भी इनकी क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एंड आप इजीली अपना फोन पीसी पर मिरर करवा सकते हो जस्ट एक QR कोड स्कैन करके। और ये चाहे आप वायरलेसली करवा लो या फिर आप वायर्ड कनेक्शन के साथ भी कर सकते हो, एंड यहाँ पे देखा जाए तो आपको एक्सपीरियंस काफी ठीक ठाक मिल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती मिररिंग करने में। और तो और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, इसके अंदर वेबकास्ट का फीचर भी है, लाइक आपको कोई एप्लीकेशन नहीं डालनी पीसी में, आप इनके एक वेबसाइट पर जा सकते हो, लिंक यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और यहाँ पे आप डायरेक्टली अपना फोन मिरर कर सकते हो विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑन योर पीसी। एंड इस एप्लीकेशन से आप अपना फोन भी कंट्रोल कर सकते हो, आपका फोन साइड रखा आप स्क्रीन से ही अपना फोन कंट्रोल करके उसके अंदर कोई भी छोटा मोटा काम हो वो आप पीसी से ही कर सकते हो। तो आप भी डाउनलोड करो एयरड्रॉइड कास्ट एप्लीकेशन, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। फिर सेकंड कैटेगरी आती है म्यूजिक प्रोडक्शन वालों को लेकर। म्यूजिक प्रोडक्शन वाले काफी पूछते हैं कि भैया कैसा लैपटॉप ले, मतलब हमारे को क्या क्या करना पड़ेगा। अब म्यूजिक प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर बताऊं आपको, जैसे FL स्टूडियो हो गया, एबल्टन हो गया, क्यूबेस हो गया, या एविड प्रो टूल्स वगैरह उठा लो, तो इसके अंदर हमारे को ज्यादा से ज्यादा CPU की जरूरत होती है, ग्राफिक्स की ऐसी कोई नीड नहीं है। तो कम से कम 6 Core 12 Thread वाला प्रोसेसर उठा लो, फिर चाहे Ryzen 5 ले लो या i5 उठा लो, इसमें आपका काम आराम से हो जाएगा। और इसके अंदर हमारे को प्लगइन्स वगैरह लोड करने होते हैं सॉफ्टवेयर में, तो कम से कम 16 GB रैम यहाँ पे मैं कहूंगा कि करके चलना, 8 GB रैम में कहूंगा थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका लैग ही रहेगा। और म्यूजिक प्रोडक्शन वालों के लिए एक प्रो टिप, एक तो जो स्टोरेज है उस पर थोड़ा ध्यान देना, 1 TB की SSD या HDD वगैरह जो भी है मतलब लैपटॉप के अंदर हो, क्योंकि आपका स्टोरेज ज्यादा होगा, म्यूजिक वगैरह स्टोर करना होगा, जो भी आपके इफेक्ट साउंड वगैरह। दूसरी चीज, आप पोर्ट्स पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आप इंटरफेस वगैरह यूज करोगे अगले दिन, USB पोर्ट्स आपको चाहिए होंगे, ऑडियो पोर्ट्स आपको चाहिए होंगे, वैसे तो अलग से साउंड इंटरफेस आप लगाए लोगे, बट पोर्ट्स जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन में, तो उसको भी ध्यान में रखना लैपटॉप चूज करने से पहले। अब ये रिसेंट गेम डेवलपर्स के लिए मेरे को बहुत कमेंट्स मिलते हैं कि भैया गेम डेवलपमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं तो सीधा कहूंगा कि टॉप नॉच पीसी है जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, कि अगर आपको भाई मतलब करियर बनाना है। गेम डेवलपमेंट एक ऐसा नहीं है कि हाँ आज आपने बस थोड़े बहुत ही गेम बनाने हैं, उसके बाद आपने आगे जाके कुछ करना ही नहीं है। गेम डेवलपमेंट नेवर एंडिंग इंडस्ट्री है, और अगर आप एक माइंडसेट से उस इंडस्ट्री के अंदर घुस रहे हो तो भाई आगे जाके हर चीज करनी पड़ेगी। तो हर टाइप का गेम बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए आपको चाहिए टॉप नॉच पीसी, जिसके अंदर हमारा i9 Ryzen 9 आ जाएगा, 32 GB 64 GB रैम आ जाएगी, एंड उसके ऊपर अगर ग्राफिक्स कार्ड भी कहूँ तो भाई 3080 3090। मैं यहाँ पे पीसी बिल्ड की बात कर रहा हूँ टॉप नॉच, और लैपटॉप्स की भी बात कर रहा हूँ टॉप नॉच, जिसमें आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना है, क्योंकि आप बहुत तगड़े तगड़े सॉफ्टवेयर चलाओगे ना अनरियल इंजन या यूनिटी इंजन को, तो भाई उसके लिए चाहिए होता है तगड़ा पीसी, जिसके अंदर आप हर एक शेडर वगैरह, हर एक प्लगइन वगैरह लोड कर पाओ। तो सिंपल भाषा में इतना ही है, गेम डेवलपमेंट के लिए आपको किस टाइप
टाइप का सॉफ्टवेयर चलाना है, किस टाइप के गेम्स चलाने हैं, आप जहां भी अपना कोर्स कर रहे हो कुछ है तो एक बार मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वहां से भी पूछ लेना कि आप कैसा काम करने वाले हो। इनिशियल फेज पे ये नहीं आप 4-5 लाख का पीसी बिल्ड कर लो, वो भी चीज आपके वर्कलोड पे वैरी करेगी। उसके बाद हमारे एडिटर्स लोग, अब एडिटर की तादाद बहुत बढ़ी है लॉकडाउन के बाद से, भाई हर किसी का अपना यूट्यूब चैनल है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, किसी को भी एडिटिंग सीखनी है कुछ है। अब एडिटिंग में भी ना डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, आपको 1080p एडिटिंग करनी है क्योंकि फोन का कैमरे में लोग 1080p पे रिकॉर्ड करते हैं, इवन कुछ कैमरा से भी लोग 1080p पे रिकॉर्ड करते हैं, 4K पे बहुत कम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके अंदर छोटा सा ट्विस्ट है कि कैसी एडिटिंग है उसके अकॉर्डिंग आपका सिस्टम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको 1080p एडिटिंग करनी है तो मैं कहूंगा i5 Ryzen 5 में आपका काम चल जाएगा, 6 कोर वाले प्रोसेसर कम से कम हो, जिसके अंदर हो जाएगा जनरेशन करंट जनरेशन के लोग वही बेटर है। दूसरी चीज रैम हमारा 8GB रैम में काम आराम से हो जाएगा अगर आपको 1080p एडिटिंग करनी है। उसके बाद ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं तो 4GB का कम से कम 1650 हो आज की डेट में, जो आपको बढ़िया एडिटिंग करवा के देगा। और ये जो मैं आपको एडिटिंग बता रहा हूँ ये मल्टी लेयर वाली एडिटिंग होगी, जैसे हम प्रीमियर प्रो फिल्मोरा वगैरह में करते हैं तो उसके हिसाब से। उसके बाद 4K के अगर होगा तो 8 कोर का प्रोसेसर, 16GB रैम एंड कम से कम 6GB का ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड का रोल वैसे भी एक्सपोर्टिंग में ज्यादा काम आता है, टाइमलाइन के टाइम पे ना आपका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद एडिटिंग में एक और लेवल ऐड करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स वाला। आफ्टर इफेक्ट्स में आपको तगड़ा GPU चाहिए, कम से कम 6 या 8GB का ग्राफिक कार्ड रखना और ऑक्टाकोर प्रोसेसर लाइक राइजन 7 कम से कम या i7 कम से कम एंड 32GB रैम। मतलब आफ्टर इफेक्ट्स में रैम का भी बहुत तगड़ा रोल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मशीनरी सेलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके ऊपर अगर और भी आपको कुछ मतलब नेक्स्ट लेवल करना है फिर तो आप फ्लैगशिप लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए जा सकते हो। और एडिटिंग में फोटोशॉप भी आता है, और फोटोशॉप ऐसा है कि आप आराम से i5 में इवन i3 में भी चल जाता है और 8GB रैम हो तो उसमें चल जाएगा। तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, जब आप एक अच्छी रिक्वायरमेंट वाला सिस्टम ले लेते हो तो फोटोशॉप तो आप चला ही लोगे। अब प्रो टिप है एडिटिंग वालों के लिए, जो डिस्प्ले मैटर करते हैं, भाई डिस्प्ले अपने हिसाब से देख लेना, 100% sRGB वाली डिस्प्ले लेना अगर आपको कलर एक्यूरेसी पे काम करना है। अब कुछ लोगों का क्या रहता है कि पर्सनल लेवल पे एडिटिंग करते हैं, जैसे मैं हूं, मेरे को कलर एक्यूरेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास टफ था पहले जिस पे मैं एडिटिंग कर रहा था तो 45% NTSC में मेरा काम था, क्योंकि मुझे कलर ग्रेडिंग का काम ही नहीं था कुछ भी। तो अगर आपको कलर ग्रेडिंग का काम है, आप प्रोफेशनल लेवल पे करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, किसी को आपको प्रोजेक्ट्स देने हैं, तो वहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा 100% sRGB वाली डिस्प्ले, या फिर बेसिक लैपटॉप लेके आप डिस्प्ले अलग से खरीद लो लाइक मॉनिटर ना, बढ़िया कलर एक्यूरेसी वाला। तो ये एक प्रो टिप होगी एडिटर्स के लिए। अब एडिटर्स के बाद आते हैं ग्राफिक्स डिजाइनर्स या एनिमेशंस वाले। अब इनके सॉफ्टवेयर हो गए जैसे इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ वगैरह। अब यहाँ पे भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट शुरू होती है वो i5, i7, Ryzen 5, Ryzen 7 वाली होती है, लाइक 6 कोर 8 कोर प्रोसेसर कम से कम। साथ में यहाँ पे मैं कहूंगा कि 8GB रैम कम से कम, वो तो ऑब्वियसली आपको मिलेगी आज के डेट में, बट 16 रिकमेंडेड है। और ग्राफिक कार्ड 4 या 6GB का कम से कम, ये इनिशियल लेवल वाली आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप काम करोगे तो इस स्पेसिफिकेशन में आपका काम बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा अगर ऊपर जाओगे मॉडल डिजाइनिंग वगैरह में, जैसे ब्लेंडर, 3DS माया वगैरह में, उसके अंदर आपको थोड़ा सा मतलब होगा फ्लैगशिप के लिए जाना, लाइक Ryzen 7 या i7 कम से कम, 16-32GB रैम कम से कम, और ग्राफिक कार्ड 6GB से लेके 8GB कम से कम, क्योंकि उसके अंदर काफी लोड पड़ जाएगा डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स का, डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल्स का, उसके हिसाब से आपका जो पीसी है वो लोड झेल पाए। तो आप अपना बजट इंक्रीज करना, क्योंकि फिर अगर आप सोचोगे आप 50,000-60,000-70,000 में सब काम कर लोगे, वो फिर वो ये कि मतलब एक बार लगा के पैसा वेस्ट। अब उसके बाद हमारी अगली कैटेगरी आती है स्टॉक मार्केट वाले। भाई स्टॉक मार्केट वालों के कमेंट आते हैं मेरे को, मुझे पता है वो लोग इतने टेकी नहीं है, और आजकल स्टॉक मार्केट का एकदम लॉकडाउन के बाद तगड़ा सा बूम आ गया, क्योंकि पहले तो फोन में चला रहे थे लोग कुछ है, अब क्या होता है ना कुछ इंडिकेटर्स वगैरह लगाने होते हैं, जो वेबसाइट खोलते हैं ना पीसी में बढ़िया चलती है, क्योंकि मेरा भाई तो मैं पता है ना स्टॉक मार्केट वाला, तो उससे मतलब मुझे अंदाजा है। तो स्टॉक मार्केट वालों के लिए ना बहुत बेसिक सी चीज आपको बताता हूं, मैंने भी रिसेंटली i3 वाला इन्फिनिक्स का लैपटॉप रिव्यू किया था, उसके अंदर मल्टीटास्किंग आप आराम से कर सकते हो। 8GB रैम चाहिए, i3 चाहिए, 5-7 टैब आपके खुल जाएंगे, HDMI पोर्ट भी है लैपटॉप में, तो आप एक्सटर्नल डिस्प्ले भी लगा सकते हो, एंड दैट्स इट। स्टॉक मार्केट के लिए कोई ऐसे लंबा चौड़ा आपको कोई सेटअप नहीं चाहिए, 10 स्क्रीन लगा दोगे आप एक दिन में मतलब बन जाओगे बहुत तगड़े ट्रेडर। तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए मल्टीटास्किंग करनी है, ब्राउजर में कोई एप्लीकेशन नहीं डलती पीसी के अंदर, और उसके हिसाब से आपको i3 10th या 11th जनरेशन में कहूंगा कम से कम, या Ryzen 3 3000 सीरीज या 4000 सीरीज, इससे नीचे नहीं जाना। कोई आपको HP Lenovo Dell का लैपटॉप 10,000 में पकड़ा दे वो नहीं, उसको आप अवॉइड करना, कम से कम 10th या 11th जनरेशन और Ryzen में 3000 सीरीज या 4000 सीरीज, उसके ऊपर जितने मर्जी पैसे लगाओ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी स्टॉक मार्केट वालों के अंडर स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, बेसिक वाले स्टूडेंट जो हो गए हमारे, ये स्कूल कॉलेज जाने वाले, जिनको बस एमएस ऑफिस चलाना है और बाकी इनको कुछ नहीं करना, मल्टीटास्किंग यूट्यूब देख लिया, तो आप भी i3 वाला लैपटॉप ले सकते हो। आप सेलेरॉन भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक काम में सेलेरॉन भी बढ़िया चल जाता है। ये स्टॉक मार्केट वाले और जो बेसिक काम करने वाले ये सेम कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपको बस ऐसा है कि बस मूवी देखनी है और कुछ भी नहीं करना, बस नॉर्मल नेटफ्लिक्स चला लिया, प्राइम देख लिया मूवी, तो आप क्रोमबुक भी ले लो, क्रोमबुक में भी आपका काम चल जाएगा, वो और भी सस्ती है, 20-25 हज़ार में आ जाती है। तो जिस रेट में मोबाइल आते हैं उसमें आप क्रोमबुक ले लो तो एक बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी, तो वो काम बढ़िया हो जाता है।
अब जो मेन है वो मैंने लास्ट में रखा है, गेमर्स और स्ट्रीमर्स। ये मैं लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसके बारे में शुरू से ही बात होती आ रही है वीडियो में, मैं करता रहता हूँ गेमिंग कैसी है, लैपटॉप कैसी है, तो वो तो आपको पता लग जाता है परफॉर्मेंस देख के। बट स्टिल कोई नया बंदा अगर ये वीडियो देख रहा है तो गेमिंग के लिए मैं कम से कम कहूंगा 6 कोर का प्रोसेसर, 8 GB रैम और 4 GB ग्राफिक कार्ड, विच इज 1650 या 3050 और प्रोसेसर आपका i5 Ryzen 5। ये हमारी बिल्कुल बेसिक लेवल की गेमिंग है, मतलब इतना तो आपको लेना ही लेना है आज की डेट में। और जब गेमिंग के लिए लैपटॉप सेलेक्ट करते हो ना, तो अगर आपको कैजुअल गेमिंग करनी है तो 60Hz की डिस्प्ले भी बढ़िया रहती है। ये अपने दिमाग से फितूर निकाल दो कि नहीं 144Hz या 120Hz होगी तो गेमिंग में मजा आएगा। सिर्फ ई-स्पोर्ट्स में बेनिफिट मिलता है, इवन हमारी आंखों से जब हम गेम देखते हैं हमारे को 60Hz से ऊपर के जो फ्रेम्स हैं वो हम नहीं पहचान पाते। लाइक मतलब 60Hz पे गेम चल रही है, 100Hz पे चल रही है, हमारी आंखें नहीं पहचान पाती। हाँ 60 से जब नीचे गिरता है तो आपको हल्का स्टटर दिख जाएगा। तो यही रीजन है एक्सबॉक्स हो गया या प्लेस्टेशन हो गया अभी भी 60fps पे स्टोरी गेम्स आपको खिला रहे हैं। उसके बाद बात आती है 144Hz की, 120Hz की, तो वो सिर्फ वैलोरेंट, वॉरजोन या एपेक्स वगैरह अगर आप खेलते हो, मतलब ई-स्पोर्ट्स में आपका शौक है, तो हायर रिफ्रेश रेट में आपको गेम में बेनिफिट मिलता है, वरना 60Hz में भी खेलोगे तो एक्सपीरियंस वैसा ही मिलेगा। इसलिए जो 360Hz के मॉनिटर है कुछ है तो कंपेटिटिव गेमिंग के लिए वो काम आते हैं। अगर आप कंपेटिटिव गेमर नहीं हो तो बेफालतू में पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आपको और तगड़ा लैपटॉप चाहिए तो ऑक्टाकोर प्रोसेसर लाइक i7 Ryzen 7 विद 3060 या 3070 के ले जाओ, बस उसके बाद i9 Ryzen 9 के साथ 3080 वाले लैपटॉप हो जाते हैं, फिर तो वो तगड़ा ही बजट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपको किस टाइप की गेमिंग चाहिए और कैसा बजट है आपका। और साथ साथ स्ट्रीमिंग ऐड करते हैं, जो 50-60 हज़ार वाले लैपटॉप मैंने शुरू में बताया आपको i5 Ryzen 5 वाले 1650-3050 वाले, उसमें स्ट्रीमिंग आप नहीं कर सकते अच्छे लेवल की, हो तो जाएगी मजबूरी वाली पर ढंग की नहीं होगी। अच्छी स्ट्रीमिंग के लिए कम से कम 8 कोर का प्रोसेसर, 3 GB रैम एंड कम से कम 6 GB का ग्राफिक कार्ड, आप बढ़िया स्ट्रीमिंग कर सकते हो उस लैपटॉप से। तो अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है YouTube वगैरह पे या फिर प्रोफेशनल स्ट्रीमर बनना है तो आप बजट उसके अकॉर्डिंग सेट करना, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। एंड यस, बस यही था आज की वीडियो में, सारे लोगों को सेलेक्ट करवा दिया मैंने लैपटॉप, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी, उसके अकॉर्डिंग आप लैपटॉप सेलेक्ट करो। अब बेस्ट फॉर दिस एंड बेस्ट फॉर दैट मत करना, आपको पता होना चाहिए आपका काम क्या है, आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अंदर कोई भी ब्रांड फिक्स हो जाए आप ले लो लैपटॉप। परफॉर्मेंस तो हम दिखाई देते हैं ना आपको, बेसिकली वो स्कोर्स वगैरह समझ नहीं आते कि सिनेबेंच क्या है, गीकबेंच क्या है, जिसके ज्यादा है उसके बेटर है। 2-3 रिव्यू देखो, कंपेयर मारो, जो अच्छा लग रहा ले लो, बजट में फिट हो रहा है। मेन मैटर करती है मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट, आपके पर्टिकुलर वर्कलोड की, आपके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की, वो मेरे को आपको बताना था। और बाकी की गाइड, अगर आपको की टर्म्स वगैरह जाननी है लैपटॉप के बारे में, उसकी एक सेपरेट वीडियो है, वो आप इस वीडियो के बाद देख लो। ये दो वीडियो देखने के बाद ना आपको भाई साहब लैपटॉप सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं गारंटी ले रहा हूं। भाई साहब आप नहीं देखना मैंने मिस्टेक, अब हमने देख लिया सब कुछ। चलो बस आज की वीडियो के लिए इतना था, अगर वीडियो पसंद आई तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कुछ अच्छा लगा हो कमेंट करो। कोई अगर कैटेगरी ऐसी हो जो मैंने छोड़ दी हो और कि भैया इसके बारे में तो आपने बताया नहीं, तो मैं कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसके ऊपर। बस और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।